चुप रहे बिना बोले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुर्ता का पजामा काटना बताऊंगी। कुर्ता हमारा है 28 इंच का, जिसे हम और लंबा ले लेंगे 29 इंच का कर लेंगे, और इसकी लंबाई लेंगे हम 31 इंच, 2 इंच बढ़ा करके लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई है 31 इंच। इसका शोल्डर है 5.5 इंच। आर्म होल भी 5.5 ही आएंगे इसको। एक इंच की गोलाई लेंगे, 1 इंच के कुर्ते कटिंग हम बिल्कुल सीधी करेंगे। ये हम खड़ी कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल सीधी। आप चाहे तो कमर में गोलाई भी ले सकते हैं, पर कुर्ते की कटिंग बिल्कुल सीधी आती है बच्चों की। ये हमारा कुर्ता कट गया है, ये देखिए ये हमारा कुर्ता कट चुका है। अब हम इसके पजामा काट लेंगे। उसकी लंबाई है 28 इंच पजामे की। हमारे पजामे की लंबाई है 28 इंच, हम लेंगे इसके 30 इंच। मेरे पीछे से कपड़ा खराब है ऊपर से, तो हम ये छाड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार का कपड़ा हमने जमा लिया है 4 से करके। अब हम इसकी सादी सलवार काटेंगे। ये इसकी लंबाई 28 इंच है, 2 इंच हम नेफे का फोल्ड करेंगे। नीचे की पट्टी हम दूसरी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। ये पहले मैंने एक शर्ट सिया था जिसमें से बचा था, तो अब मैं मेरी बेटी का कुर्ता पजामा बना रही हूँ। इसकी मोरी रखेंगे हम 6 इंच की, 5.5 इंच की, तो मैं 1 इंच बढ़ा करके ले रही हूँ। यहाँ से 5.5 इंच की मोजी रखूंगी, तो ये देखिए इस तरह से सीधी लाइन खींच लें। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी खींच सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने गोलाई दी है जिसकी वजह से अपने को रुमाली नहीं लगानी पड़ेगी, बिना रुमाली के ही अपना काम हो जाएगा। ये कपड़ा 1.5 मीटर था, मैं 1.5 मीटर में ही कुर्ता और पजामा दोनों बना रही हूँ। ये जो हमारी सलवार की कलियाँ निकलेंगी इसको मैं आस्तीन में जोड़ लगा दूंगी। देखिए ये हमारी सलवार कट के तैयार है। अब हम इसका आस्तीन काटेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, अब हम इसको बराबर कर लेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हमने इसको डबल घड़ी कर लिया है, और ये इसकी लंबाई आ रही है 16 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 घड़ी कर लिया है। इसका कपड़ा छोटा बड़ा आ रहा है, तो हमारी ये जो कली निकली है सलवार की कटिंग में, सादी सलवार की, हम इसको इस टाइप से लगा लेंगे। इसमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे, जोड़ लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, जिससे कि ये कपड़ा चौकोर और बराबर हो जाएगा और सही कटिंग आएगी, क्योंकि हमारी कटिंग यहाँ से
ये तिरछी आएगी और फिर इधर से इधर आएगी। तो हम सिलाई लगाने के बाद फिर आपको बताते हैं स्लीव्स की कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ता बिल्कुल सिल करके तैयार है। ये हमारे कुर्ते की लंबाई है। ये देखिए गले में पाइपिंग लग रही है, ये नेक पट्टी में भी पाइपिंग लग रही है, ये स्लीव्स यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये देखिए स्लीव्स में भी हमने एक मशीन लगाई है, फोल्ड किया हुआ। ये इधर वाली में भी, और ये हमने इसके दामन फोल्ड कर रहे हैं। इसके चाक हमने बड़े रखे हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है सिलने पे। और ये देखिए, ये इसकी सलवार जो हमने काटी थी पजामा, ये इसकी मोरी बनाई है। ये यहाँ से नेफा फोल्ड किया और इसमें इलास्टिक डाला है। और ये यहाँ से भी खड़ी सिलाई लगाई है और ये भी खड़ी सिलाई लगाई है। ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा इसको।